तो आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल विंटर फ्रूट वुड एप्पल की खट्टी मीठी तीखी चटनी, चटपटी सी चटनी। ये चटनी मैंने जब इस तरीके से बना के ट्राई की, मुझे ये चटनी का रिजल्ट इतना अमेजिंग लगा था। साथ ही साथ हमने इसमें गुड़ और चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। और इस विंटर में अगर आपने इस चटनी को ट्राई नहीं किया तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ आप मिस करने वाले हैं, तो ज़रूर से बनाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। आज की रेसिपी क्या है वो आप सबको पता ही है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैं बताऊंगी प्लीज उन्हें फॉलो कीजिएगा परफेक्ट रेसिपी के। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वुड एप्पल की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक वुड एप्पल। वुड एप्पल कच्चा है, पक्का है, कैसा लेना है वो मैं बता देती हूँ। अगर वुड एप्पल कच्चा है तो कैसे पता चलेगा, जब आप उसे इस तरीके से खुरचते हैं ऊपर से, तो यहाँ से अगर ग्रीन छिलका निकलता है यानी कि वुड एप्पल अंदर से कच्चा है। अगर कच्चा हो ना तो आपको क्या करना है, सिंपली इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर गर्म कर लीजिए। जी हाँ, सीधा का सीधा बिना इसे तोड़े, तो ये थोड़ा सा पका हुआ सा आपको टेस्ट देगा। अब यहाँ पर हम इसे तोड़ लेते हैं और इसको पका हुआ है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए इसका जो ऊपर का डंठल होता है स्टेम वाली जगह, वहाँ से इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इस तरीके से भी आप इसे पहचान सकते हैं। इसका पल्प हम एक प्लेट में निकालेंगे, अच्छे से इसका पल्प अंदर से चम्मच से खुरेच खुरेच के निकाल लेंगे और साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें तेल लेना है 1 टीस्पून जितना, उसमें हम तड़का लगाएंगे जीरा और हींग से। उसके साथ हम इसमें लेने वाले हैं 5 से 6 लाल मिर्ची और इन लाल मिर्चियों को हम थोड़ा सा सौते करेंगे। तो ये चटनी बिल्कुल ही विलेज स्टाइल में बनने वाली है, तो आपको इसका टेस्ट अलग लगेगा, इसका मेथड भी अलग है और इसका जो टेस्ट है, फाइनल रिजल्ट है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर हम मिर्ची को सौते कर रहे हैं, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मिर्ची को सौते किया था। ठंडा होने के लिए इसे साइड में रख देते हैं अब। और हम यहाँ पर खलबत्ते में पीस लेते हैं हरी मिर्ची। हमें यहाँ पर मिर्ची पीसने के लिए यानी कि हरी मिर्ची को कूटने के लिए खलबत्ते का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका बिल्कुल विलेज स्टाइल टेस्ट और टच नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, धनिए को हम लेंगे स्टेम के साथ, तभी तो इसका जूस निकलेगा और उसका फ्लेवर बढ़ेगा। धनिए को भी हमें दरदरा सा इसमें पीस लेना है और आप देख सकते हैं बस ऐसा ही रखना है, इसे भी साइड में रख देते हैं। और अब हम इसमें करते हैं आगे की प्रोसेस। एक मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है, यहाँ पर सूखी लाल मिर्च जो है हमारी वो भी कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। मिक्सर ग्राइंडर जार में ऑयल के साथ सारा मिक्सर हम इसमें ले लेंगे और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो वुड एप्पल का पल्प है वो। तो वुड एप्पल का पल्प हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसे हल्का सा प्रेस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से पिस पाए। इसमें हम डालेंगे काला नमक स्वाद अनुसार, रेगुलर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पर जीरा लगभग 2 टीस्पून, यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून जितना। और अब हम इन सभी चीज़ों को ड्राई यानी कि बिना पानी ऐड किए पीस लेते हैं। तो अब जब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे ना, तो ये देखिए इस टाइप की बहुत ही ड्राई चटनी बन के रेडी होगी। अगर आप इस स्टेज पे इसे खाना चाहें बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इसमें खट्टा मीठा में जो मीठा वाला पोर्शन है ना वो मिसिंग है। तो अभी मीठा ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है 10 से 12 खजूर। अब ये जो खजूर है ना ये सॉफ्ट है ऑलरेडी, इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप जो खजूर ले रहे हैं वो सॉफ्ट नहीं है तो 10 मिनट के लिए आप उसे गर्म पानी में भिगो के उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसकी एक स्मूथ चटनी हमें बनानी है, सिंपली इसे अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर हमारा एक स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए चटनी का कलर कितना अमेजिंग आया है, जो कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें ऐड की थी उसकी वजह से, और जो सूखी लाल मिर्च थी उससे इसमें बहुत ही चटपटा सा तीखा बनाएगा। तो अब यहाँ पर हमारी जो चटनी है वो पिस चुकी है और अब हम इसका फाइनल स्टेप कर लेते हैं। एक बोल में इसे निकालेंगे, तो चटनी को हम यहाँ पर बोल में ले लेते हैं। और इस चटनी को आप पूरी पराठा या फिर विंटर्स में अगर आप स्पेशली कोई गर्मा गर्म नाश्ता बनाते हैं उसके साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो पिसी हुई हरी मिर्ची और धनिया था वो भी इसमें ऐड कर दिया है।
इसमें ऊपर से पिसा हुआ धनिया और हरी मिर्ची ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसमें ऊपर से मैंने कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमारी चटपटी सी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। पहले भी मैंने एक चटनी की रेसिपी शेयर की थी जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। आई होप आपको ये वाली रेसिपी भी बहुत पसंद आए। तो नए हैं अगर मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएं, उसके पास वाली घंटी को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। उसके अलावा वीडियो यहाँ तक देखी है यानी आपको पसंद ज़रूर आई होगी, तो लाइक तो ज़रूर से कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मैं वेट करती हूँ बेसब्री से। प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर से करके मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है आपको। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूसडे को एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छे से खाएं पिएं, मस्त रहें। बाय बाय।